बाइसन लास से टिकट और परमिशन लेके अब हम सीधे धूपगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। धूपगढ़ एक सनसेट पॉइंट है जहाँ 4,500 फीट की ऊंचाई से आपको सनसेट सनराइज देखने का मज़ा मिलता है और जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा सनसेट पॉइंट है। चलिए आप और हम मिलकर इन सतपुड़ा के हरे भरे जंगलों का, पहाड़ों का आनंद लेते हुए धूपगढ़ के सनसेट पॉइंट का आनंद लेते हैं। मानसून का महीना है इसलिए सनसेट पॉइंट में वहाँ पे सनराइज़ और सनसेट दोनों दिखेगा नहीं, इसलिए हम सबसे पहले धूपगढ़ जा रहे हैं। लेकिन हमें वहाँ पर इतना मज़ा आया मानसून की वजह से कि हम आपको बयां नहीं कर सकते, आप खुद देखिए। ये धूपगढ़ का बैरियर आ गया है, यहाँ से जो परमिशन ली थी यहाँ पर दिखाना पड़ती है, इसके बाद से धूपगढ़ की पहाड़ियों का सिलसिला चालू हो जाता है। अब आप देखिए और आनंद लीजिए। गिरे भी तो झरने में भी मजा आ जाए, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर आप मौसम को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो आप तो पेड़ पौधे जो देख रहे हैं अभी आपको सब साफ साफ दिख रहे हैं क्योंकि हम अभी काफ़ी नीचे हैं। अभी यहाँ से हमने चढ़ाई चढ़ना चालू की है, ये चढ़ाई करीब करीब 4 से 5 किलोमीटर की है। आप जैसे कि जैसे ऊपर देख रहे हैं आपको बादल दिख रहे हैं, हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ना ये सब दिखना बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब ये कि सब बादलों के जो बादल हैं, बादलों की हाइट तक 4.5 फीट की हाइट तक है ना बादल नीचे की तरफ दिखते हैं, और वहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे का नज़ारा देखने को ही नहीं मिलता, सब इधर बादल 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 ही बादल दिखेंगे। अभी आप देखिए और आनंद लीजिए। इस चढ़ाई में हमको जिप्सी से 10 मिनट लगे हैं, इस 10 मिनट के अंदर ही सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कितने कितने हाइट पर जाते जा रहे हैं और बादल नीचे आते जा रहे हैं। आपको आप मज़ा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। पहाड़ों पे ऊपर जाने के बाद तो पहाड़ और बादल ही दिखेंगे, जो पचमढ़ी घूमने का और धूपगढ़ आने का मज़ा, तो ये जो यात्रा हो चल रही है, जो जिप्सी चल रही है, ये जो नज़ारे हमको देख रहे हैं इसी का मज़ा है। आप जब भी जाएँ जिप्सी वालों से कहें कि गाड़ी धीरे चलाएं ताकि इसका भरपूर आनंद ले सकें, और आपको जो भी वीडियो फोटो जो भी लेना हो आप गाड़ी में बैठे बैठे ही ले सकते हैं, यहाँ से गाड़ी से उतरने नहीं देते हैं, यहाँ पर परमिशन नहीं है उतरने की। ये बोलते हैं कि कोई जंगली जानवर आ सकते हैं, दूसरी गाड़ियों को दिक्कत होती है, इस वजह से यहाँ पे गाड़ी रुकती नहीं है, जो सीधे ऊपर धूपगढ़ की पहाड़ियों में ही जाके रुकेगी। बीच में एक दर्शनीय स्थल आता है वहाँ पर गाड़ी रुकेगी थोड़ी सी देर के। भैया ऐसी कोई सी एक जगह पे रोक ना, फोटो खींच लेंगे ताकि पहाड़ और सब दिखे ना यहाँ पे। हाँ ये जैसे ये जैसे ये जगह बिल्कुल ऐसा है ना, एक दो जगह पे वो गजब का ही व्यू है यहाँ पे। अभी इसके ऊपर जाना है नीचे से ऊपर चढ़ना है, ये तो ऊपर नीचे ना ये घाटों में चढ़ रहे हैं, इससे ऊंची जितने ऊपर सबसे ऊपर वहाँ पहुँच जाएंगे अपन, वो ऊपर वो वहाँ के ऊपर जो पहाड़ दिखी नहीं रहे बादल में।
अगर जा सकते हैं बादलों के अंदर चल रहा है ये ओस या धूल भी नहीं है, ये बादल है जिसमें से पानी गिर रहा है। ये बादलों के अंदर घूम रहे हैं, ये ओस नहीं है, ये बादल है। ये देखिए पचमढ़ी के धूपगढ़ की वादियों के नज़ारे, ये आपको ठंड में गर्मी में देखने को नहीं मिलेंगे, ये मज़ा आपको सिर्फ मानसून में ही आएगा। ये इतनी हाइट पे है कि जहाँ से नीचे का शहर दिख ही नहीं रहा है। ये देखो इस हाइट पे हम लोग हैं, इस हाइट पे हम लोग हैं कि यहाँ पर अच्छा भव्य दृश्य पॉइंट पे खड़े हैं। ना खड़ा फोटो खींचो, यही यही खड़े खड़े फोटो खींच लेते, चलो खड़े हो जाए। वहाँ ये भव्य दृश्य पचमढ़ी का जमीन से इतनी ऊपर है कि नीचे बादल ही बादल दिख रहे हैं, नीचे का कुछ शहर नहीं दिख पा रहा है। पकड़ रहे हैं हमारे हाथों में बादल बादल को हाथ से पकड़ो, नीचे का शहर कुछ नहीं दिख रहा है। बादलों को टच कर रहे हैं बादलों में, हम बादलों के बीच में। ये दूसरी गाड़ी आ गई है, ऊपर ऊपर भी ऐसे ही दिख रहा है, नीचे जमीन से भी ऐसे दिख रहा है। उसमें अपन आ रहे हैं, जमीन से कितनी हाइट पे होंगे भी अपन, दिखता नहीं होगा सामने का ना। समुद्र सतह से 4,000 4,500 फीट ऊंचाई पे है। पीछे जो भी दिख रहा है सब धुआं ही धुआं दिख रहा है, ये धुआं नहीं है बादल है। समुद्र सतह से 4,500 फीट के ऊपर पहाड़ी ऊंचाई की बाहुबली की पहाड़ी भी छोटी दिख रही है। ये नीचे का शहर देखो पचमढ़ी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरे बादलों के बीच में हम गाड़ी में है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। नारायण नारायण करते हुए नारायण धोनी टीवी में दिखते बादल, इतने तरह से बादल चल रहे हैं। कल भी हम काफी घूमे थे पर आज जो चीज देखी वो तो लाइफ में अंदर जाके फोटो खींच सकते।
पहली बारी देखी है। अच्छा, ये धूपगढ़ में आ गए क्या? क्या भी और चलाएंगे हाइट पे? इससे ऊपर नहीं जाएंगे? सामने का कुछ नहीं दिख रहा यहाँ तो, सामने जीप खड़ी वही नहीं दिख रही है। अरे सामने ओ रे, ये देखिए अरे यहाँ पे वो व्यू नहीं है जो वो व्यू वहाँ पे था, गजब का पहाड़ दिखा। और ये तो ऐसा लग रही है, नॉर्मल लग रही है उसके आगे। चलो अपनी बात है, उधर है उधर। गजब। वीडियो चलो चले। हाँ, पचमढ़ी में सबसे ऊपर 4,500 फीट की हाइट पे ये बादल ही बादल है पानी के, और आज मौसम भी बारिश का हो रहा है बादलों के बीच में। धुंध तो नहीं, धुआं नहीं, बादल ही बादल। इधर से चलेंगे ना, चलो। अरे वो तो बादलों के बीच में पहाड़ी के ऊपर पंखुड़ी बैठी है और ये चारों तरफ बादल ही बादल हो रहे हैं। हाँ, ये बादल है, ये पचमढ़ी और यहाँ पे बादल, और हम पागल है। इसको देख देख के पागल है। हरियाली, बादल, पहाड़, एक साथ सारी चीज, और रेत भी है। कीचड़ नहीं है यहाँ, रेत ही रेत है यहाँ। कीचड़ नहीं है, गोबर है, गोबर। यहाँ रेत है, यहाँ गोबर है। गाय के गोबर भी है। गाय, यहाँ गाय कहाँ से आ गई? भैंस है, जंगली भैंस रहते होंगे यहाँ। हाँ, वो जो उन्होंने बताया ना, ये इतना गोबर गाय नहीं करती है, ये भैंस नहीं करते। ये जो ये दिन में गायब हो जाते हैं, रात में ये सनसेट पॉइंट, जो सनसेट सनराइज कुछ भी समझ लो। ये देखो ना पहाड़ी, ये पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी एमपी की सबसे ऊंची पहाड़ी। उस ऊंची पहाड़ी के जंगल में हरियाली के बीच, और ये नीचे देखो पत्थर ही पत्थर। ये यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ नहीं आने देते होंगे। हाँ। बाकी जगह पे अपनी गाड़ी से घूम सकते हैं अपन। हाँ। वो यहाँ पे आने के लिए इनकी गाड़ी ही लेना पड़ेगी, नहीं तो आने ही नहीं देंगे, क्योंकि ना हाँ 4x4 गाड़ी चलती है, ये पर्सनल नहीं चला सकती। ऐसे ड्रेस ऐसा पोज सब। जंगल जंगल पास चली, बाहुबली की पहाड़ी आज छोटी लगी है। बाहुबली में देख के लग रहा था कि क्या पहाड़ी, क्या झरना है। यहाँ आके तो पता चला कि कैसा रिया होगा उसका सीन। वो रही मॉडल हमारी, आ जा, वो रही सनसेट पॉइंट। हाँ क्यों पंगुड़ी, वो बाहुबली का गाना आता है, उसकी पहाड़ी भी छोटी लग रही ना बाबू। कौन है वो, कहाँ? ये देखो, ये यहाँ खड़े रहे हैं। देखो इधर, देखो रे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बादल ऊपर रहते हैं कि बादल जमीन से कितने नीचे रहते हैं। ये देखो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी हाइट पे खड़े हैं। बिल्कुल आगे पीछे इसी तरह से बादलों के बीच में हम खड़े हैं। ये कंडीशन है कि नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, और हम यहीं से, हम नीचे से ऊपर आए, इतनी हाइट से आए। पापा
ये देखो ऊपर भी एक जैसा है, बीच में जमीन पत्थर पहाड़ दिख रहे हैं। ये देखिए वो बादलों के बीच में हम खड़े हैं, ना इधर कुछ दिख रहा है ना उधर कुछ दिख रहा है, ये पहाड़ी पहाड़ी है बस। नारायण नारायण करते हुए जिस तरह नारद मुनि आते थे ना, ऐसे आ गए यहाँ पे। शानदार बर्थडे हो गया। ये मौसम में यहीं पर यही मौसम में यही मजा है, ये मजा इसी मौसम में आएगा, इसके अलावा कोई मौसम में नहीं आएगा ये मजा। तारे जमीन पर बोल सकते हैं, वो गाना देखो बादल जमीन पर। बादलों के ऊपर भी खड़े हैं मम्मी पापा। हम बादलों के बीच अभी बादल हट गए थे, सिर्फ इसी मौसम में इस चीज का मजा है। पूरा पहाड़ अभी दिख रहा था, अब पहाड़ दिखना वापस बंद हो गया और हम बादलों से भी ऊंची हाइट पे खड़े हैं, काफी ऊंची हाइट पे। ऊपर देखो तो वही है, नीचे देखो तो दुनिया ही नहीं दिख रही, जमीन ही नहीं दिख रही, सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं। हम बादल बीच से भी ऊंची हाइट पे खड़े हुए। और ये वो इतनी मधुर वादियों में सीटी बजा रहे हैं, पंखुड़ी फूल लगा लगा के चल रही है मैचिंग मैचिंग, सारे टूरिस्ट सेल्फी का मजा ले रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड के साथ अच्छा समय बिताने के लिए ये एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है, और ये मौसम की तो बात ही अलग है। पचमणी धूपगढ़ का सनसेट पॉइंट, आ जाओ। पंगुड़ी का काल दिख रहा है कि खाली मिर्च बाली संवारती रहती है। टूरिस्ट के बैठने के लिए यहाँ पर काफी व्यवस्था की गई है, कितनी ही अधिक संख्या में टूरिस्ट आ जाए यहाँ पर बैठकर सनसेट पॉइंट का आनंद ले सकते हैं। वीडियो बन रहा है अभी तो। देखो बादलों का जूम खुलेगा, पहाड़ों का जूम खुलेगा, ये जूम खुला। पचमणी के धूपगढ़ की हरी भरी वादियों में मानसून के मौसम में हमने काफी आनंद लिया, और इसके बाद हम रिजगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। पचमणी पर हमारा ये पांचवा वीडियो था, अब हमारा छठा वीडियो रिजगढ़ का रहेगा। हमारे सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और आपको सभी वीडियोस हमारे पसंद आएंगे, काफ़ी आपको पसंद भी आए हैं, आपने शेयर भी किया है, लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। आगे भी प्लीज़ आप ऐसा ही सहयोग करते रहिए, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ये देखिए रिजगढ़ की पहाड़ियों से उतरते हुए नज़ारे कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई पीछे से जूम खुल रहा है। जंगल बता देना, जंगल बता देना कि जंगल है, यहाँ के जंगल है ना बेटा, देखा ना। बोला बेबी वो क्या हुआ, बजरा की मोगली मेन जो चीज है उसमें लगा रखी इसकी यही रही होगी जिस समय से हेयर वेयर करती है।